हाँ चलो भाई, हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के, उसको कर लेते हैं, ठीक है। और ये ऐसे वाले, और उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे दो इंक्लाइंड है, डीसी पांडे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, ठीक है। देख कर टफ लग रहा होगा, बहुत टफ है। दो इंक्लाइंड ऐसे है ना, ये 30 डिग्री इसका इंक्लाइनेशन, इसका कितना है 45 डिग्री। अब बोला क्या गया है कि यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंका गया है 8 मीटर पर सेकंड से, यहाँ से दूसरे ऑब्जेक्ट को फेंका गया है क्या 16 मीटर पर सेकंड से, सही है। ये ए है और ये क्या है, बी है। आफ्टर टाइम 10√3 सेकंड सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज मिनिमम। टाइम 10√3 सेकंड के बाद ए और बी के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, मिनिमम, एंड फाउंड टू बी 70 मीटर। कितना पाएगा, फाइंड ए बी। क्या बताओ, ए बी मतलब ये दोनों के बीच का गैप कितना है वो बताइए, ए और बी की। ए और बी एक ही लेवल में नहीं है, ये हल्का ऊपर है, बी कहाँ है नीचे, सही है। अच्छा, पहली बात ध्यान देना, पहले की वेलोसिटी इधर है यार, कितना है 8 मीटर पर सेकंड। हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया है, कितना दिया है 60 डिग्री, सही है। और दूसरे की वेलोसिटी ऐसे इस पे परपेंडिकुलर इंक्लाइन पे है ना, और ये कितना है भाई 16 मीटर पर सेकंड। इसका इंक्लाइनेशन यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये 30, तो ये वाला भी कितना 30, तो ये कितना 60 डिग्री, दोनों 60 हो गए पक्का। अच्छा सुन लो, ये V1 है और ये क्या है V2 है, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख कर बता दो। V1 वेक्टर क्या हो जाएगा 8 cos 60 यानी 4 i कैप और प्लस 8 sin 60 यानी 4√3 j कैप, सही है। ऐसे V2 लिख के बता दो, V2 कितना है माइनस 8 i कैप प्लस 8√3 j कैप। किसी एक को रेस्ट मान लो, ये ए है, ये ए था और ये क्या था, बी था। चलिए किसी एक को रेस्ट मान लेते हैं, चलो ए को रेस्ट मान लेते हैं, बी को, ठीक है। लेट ए इज इन रेस्ट, ए कायम में है, रेस्ट में, ए कायम में, ए रेस्ट में है, तो क्या फाइंड करोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ए बी भी है, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए यानी दिस माइनस दिस, यानी कितना माइनस 12 i कैप और प्लस क्या 4√3 j कैप, सही है। अच्छा सुन लो भैया, ए ऐसे था है ना, ये मान लो ये था इतना, और बी कहाँ था, नीचे था ना कुछ, बी कुछ नीचे था। तो ए को आप रेस्ट समझ चुके हो, क्या समझ चुके हो, रेस्ट। अगर ए रेस्ट में है तो बी की वेलोसिटी है, एक्स में कितना है माइनस 12 है ना, और वाई में कितना है प्लस का, सही है। तो ये कुछ ऐसे निकल जाएगा, सही है। है हाँ। इसका स्पीड क्या हो जाएगी बता सकते हो, कितना भी से इधर निकलेगा ना, तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, भी है 140 कितना 144 √12² यानी क्या 144 + 48 है ना, यहाँ फाइंड कर दे रहा हूँ। VBA का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वही स्पीड हो जाएगा 144 प्लस क्या 48 192 को 64 × 3 लिख दूंगा, यानी क्या 8√3 मीटर पर सेकंड, यानी 8√3 मीटर पर सेकंड से ये आगे बढ़ रहा है, सही है क्या। देखो भैया सही है, अच्छा मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच में क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही वाला होगा कि नहीं होगा, होगा पक्का। अच्छा ये कितना है 70 मीटर, ये कितना है 70 मीटर, आपको बताना क्या है ए बी, क्या बताना है आपको ए बी, सही है, क्लियर हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये पता है आपको। हाँ तो क्या कितने सेकंड में मिनिमम डिस्टेंस पाया गया है, कितने सेकंड में, 10√3 सेकंड, तो 10√3 सेकंड में कितना चल जाएगा 8√3 × 10√3 कितना 240 मीटर, 240 ना, ये 240 मीटर हो जाएगा, सही है पक्का। या फिर एंगल भी फाइंड कर सकते हो, एंगल वगैरह चल सकते हो, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा ये भी, ये भी 240 का स्क्वायर प्लस ये भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 240 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नहीं एंगल, एंगल फाइंड करने से नहीं होगा यार, सुनो मैं गलती बोलती हूँ, एंगल फाइंड ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, एंगल फाइंड करने से क्या दिक्कत जाएगा, सुन लो आप जो एंगल फाइंड करोगे ये पूरा एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक का, और चाहिए आपको ये एंगल ना ट्राइंगल के लिए, ये एंगल कहाँ से लाओगे, ठीक है, उसके लिए और चौचला हो जाएगा फिर, सही है। पाइथागोरस ज़्यादा सही है, मिल जाएगा ऐसे, ये एंगल मिलना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ट्राइंगल बनाएंगे tan थीटा कितना हो जाएगा 7/24, इसको अल्फा मान लो तो अल्फा माइनस थीटा
फिर वो टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाना पड़ जाता है, ये ज़्यादा आसान है। ये भी कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर 70 का स्क्वायर प्लस क्या 240 का स्क्वायर, 4900 प्लस 57600 सही है, क्लियर हो? तो ये आ जाएगा कितना, 250 मीटर आ जाएगा मेरे ख्याल से, देखो तो है ना, 250 मीटर आ जाएगा, सही है। देख लो भैया, कोई टफ क्वेश्चन है क्या? सही है, एंगल फाइंड आउट करने का यहाँ से कोई मतलब नहीं है, ये जो एंगल मिलेगा ये पूरा एंगल मिलेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, ए को सामने लेवल में ले आते हैं और एंगल फाइंड करते हैं, आंसर ही नहीं आता उनका। अरे ए और बी का लेवल एक ही थोड़े है, सही है। देखो मैं हमसे कोई बच्चा पूछ रहा था, मैं भी ये गलती कर रहा था, मैं ध्यान नहीं दिया कि ए और बी का लेवल मतलब एक ही है, अलग अलग है, यही आंसर होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, कितना आंसर, 250 मीटर। क्लियर हो? कुछ और किसी को मिटा रहा हूँ, समझ में आया पक्का? तो डीसी पांडे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन, एक आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ पूछा गया था, आईआईटी एडवांस में। आपको हंसी आ जाएगा देखकर, ठीक है। कहाँ पूछा गया था, आईआईटी एडवांस में। आईआईटी एडवांस में इधर 2020 में फिजिक्स का पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया, बिल्कुल आसान आया है, एक झटके मनाओगे बन जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैकेनिक्स से, मैकेनिक्स वाले पोर्शन से, मैकेनिक्स मतलब क्लास 11th वाले, मैकेनिक्स मतलब 11th मान के चलो 80% पढ़ना है, 80%, सही आता है, ठीक है। चलिए क्या था क्वेश्चन, उसको करते हैं। भैया जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ उसको प्रैक्टिस करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत जाएगा फिर, समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन क्या था, दो प्लेन है, कितने प्लेन हैं, दो प्लेन है ना, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, सही है। आसान था, मतलब लगेगा नहीं तुमको एडवांस टाइप का, ये मान लो ये फर्स्ट प्लेन है, एरोप्लेन है, ऐसे ऐसे बनाया गया था, ठीक है, डराने के लिए बच्चों को। एक दूसरा प्लेन ऐसे था, सही है। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखा हुआ था लेकिन लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, जो काम का चीज़ है वही लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सही है। ये दो एरोप्लेन है, उसके बाद बोला गया है क्या कि पहले एरोप्लेन की स्पीड है 100√3 मीटर/सेकंड, इसकी जो स्पीड है पहले प्लेन की वो कितना है 100√3 मीटर/सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, सही है। अच्छा एक्सेलरेशन हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, एक्सेलरेशन रहा तो जी रहेगा, वो ऐसे बोल दिया था, दोनों को वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों को वेलोसिटी क्या है, है ना, क्लियर हो? अच्छा उसके बाद बोला गया है कि ये जो है ना ये ऐसे जा रहा था यार, इस तरीके से 60 डिग्री पे जा रहा था, उल्टा मैं बनाया हूँ, दूसरा प्लेन ऐसे जा रहा था, है ना, इस तरीके से, ये कितने डिग्री पे जा रहा था, 60 डिग्री, मतलब कुछ हल्का उठा हुआ 30 से, सही है। ये पहला प्लेन था और ये दूसरा प्लेन था। उसके बाद बोला गया है कि और दोनों के बीच का गैप 500 मीटर है, दोनों के बीच का गैप कितना है 500 मीटर। बोला गया है कि टाइम ऑफ इफ दे आर कोलाइड, अगर वो कोलाइड होते हैं, है ना, इफ दे कोलाइड फाइंड टाइम, सर स्पीड नहीं थी दूसरे प्लेन की, या टाइम ऑफ कोलिजन सीधा फाइंड करो ना, टाइम ऑफ क्या फाइंड करो, इफ दे क्या कोलाइड करवाना ही था, कोलाइड हो रहे हैं, अच्छा तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करवा देंगे, टाइम ऑफ कोलिजन मतलब वो बोला कोलाइड हो गए तो टाइम बताइए, तो भाई कोलाइड होंगे तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसको भी मान लेता हूँ, सही है, क्या लिखूंगा, भी साइन 60 उसका वर्टिकल कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट कितना 100√3 sin 30, सही है, साइन 30 कितना 1/2, साइन 60 कितना √3/2, ये पूरा ऐसा कैंसर हो जाएगा, तो भी की वैल्यू कितना गया 100 मीटर क्या पर सेकंड, भी की वैल्यू कितना गया 100 मीटर पर सेकंड, सही है। अब सुनो देखो टाइम चाहिए अपने को, क्या चाहिए, तो इधर में कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगा कि नहीं होगा, नहीं है, अरे ये दोनों तो इक्वल हो जाएगा ना यार, वही तो वर्टिकल कंपोनेंट का कोई मतलब है नहीं, लिखने का इच्छा लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 100√3 cos 30 डिग्री, सही है पक्का ना, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना जाएगा
हंड्रेड कॉस 60, सही है, बोलोगे? कोई दिक्कत? तो ये कितना जाएगा? कॉस 30 कितना था? रूट 3/2, ये 150 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और ये 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सही है क्या? किसी एक को रेस्ट में मानो, है ना, इसको रेस्ट अज्यूम कर लेते हैं बी को, सही है, बी को क्या अज्यूम कर लेते हैं? रेस्ट। क्या फाइंड करोगे? वी ए बी, वी ए बी इधर इधर में कितना जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल में फाइंड करने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि वर्टिकल में जीरो आएगा। हाँ। तो टाइम कितना हो जाएगा? 5 सेकंड, है ना, 500 बाई क्या 100, यानी कितना? 5 सेकंड। देखो ये क्वेश्चन था आईटी का, आईटी क्वेश्चन है भाई, आईटी एडवांस का है। एक और क्वेश्चन आईटी एडवांस का ही देख लो। हाँ। एक है ना, बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको हंसी छूट जाएगा इसको भी देखकर। एक ट्रेन है, क्या एक ट्रेन है, ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और कितना है ये ट्रेन का एक्सेलरेशन आगे की तरफ कितना है? ट्रेन के अंदर में कोई बॉल, ट्रेन के अंदर में कोई बॉल को फेंका गया, ठीक है, ऐसे करके, सही है, बॉल को फेंका गया कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से, 60 डिग्री फेंका गया कितने स्पीड से? ये ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्पीड था, स्पीड किसके रेस्पेक्ट में था? ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में स्पीड, मतलब अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में मतलब क्या हुआ, अगर ट्रेन रुका हो तब उसकी स्पीड क्या रहेगी? 10 मीटर पर सेकंड, सही है, पक्का ना? तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड थी क्या? 10 मीटर पर सेकंड, सही है यहां तक। उसके बाद बोला गया कि इसका जो रेंज मिला ना, क्या रेंज, रेंज क्या मिला? रेंज, वो रेंज मिला कितना? 1.15 मीटर, 1.15, मतलब इतना डिस्टेंस आगे जाके बच्चा बॉल, ऐसे बोला था कि जाकर बॉल, बच्चा बॉल को कैच कर लिया, है ना, क्वेश्चन वाला ये बोला था कि बॉल को फेंका और इतना डिस्टेंस आगे चला, फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? आगे, आगे फॉरवर्ड हुआ इतना 1.15 मीटर, उसको क्या कर लिया? कैच कर लिया, मतलब बच्चा जितना चलेगा उतना ही, मतलब कैच तो यही करेगा उतना ही तो रेंज होगा ना यार, समझ आ रहा है? तो आपको एक ही वैल्यू बताना था, किसी वैल्यू देना था? एक ही। अगर ट्रेन को रुका हुआ मान लो, तो रेंज कितनी काट ले? ट्रेन काहे में है? रेस्ट में। हां, ट्रेन काहे में है? रेस्ट में, सही है। तो बॉल का एक एक्सेलरेशन तो इधर होगा जी, नीचे की तरफ, हां यस सर, ये तो ग्रेविटी कारण होगा। हां, और अगर ट्रेन रेस्ट में है ना यार, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, पहले सुन लो मेरी बात, डायरेक्शन तो बताओ किधर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, तो एक्स में बॉल का कोई एक्सेलरेशन है अपना, ट्रेन का है? हाँ, तो जीरो माइनस क्या? ए, मतलब ट्रेन के कारण एक्सेलरेशन पीछे आ जाएगा, बॉल पे एक्सेलरेशन कहाँ लगेगा? पीछे, कितना? ए, हाँ माइनस ए बोल सकते हो, सही है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे है तो प्रोजेक्टाइल ही, लेकिन हुआ क्या है कि दोनों साइड में इसको क्या मिल गया है? एक्सेलरेशन, मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर, ये क्या जाएगा? 10 cos 60, और एक क्या जाएगा? 10 sin 60, सही है, बोलोगे? ये कितना जाएगा? 5, और ये कितना जाएगा? 5√3, देखो भैया, सही है, आंसर देख लो, कोई दिक्कत? इधर इधर का वेलोसिटी कितना आ गया? 5, और इधर का वेलोसिटी कितना आ गया? 5√3, सही, देख लो यहां तक। तो सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले क्या फाइंड करोगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं रहेगा तो काम कैसे इक्वेशन लगा लोगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला सीधा 2 × क्या? UI/G, क्योंकि अभी वाई में अभी कोई छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, वाई में वेलोसिटी 5√3 है, जो भी छेड़छाड़ हुआ है कहाँ हुआ है? एक्स में हुआ है ना, और वाई क्या? 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा? √3 सेकेंड, टाइम मिल गया आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब एक्स में इक्वेशन जड़ दीजिए, एक्स इक्वेशन क्या लिखोगे? UT प्लस क्या? ½AT², सही है, यस सर। अच्छा ये माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा लूं? हाँ सर, हैं ये पीछे है ना, एक्स की वैल्यू कितना? 1.15, एक्स में यू कितना है भाई? 5, टाइम कितना है? √3 ना, माइनस हाफ, ये चाहिए इंटू क्या? 3, ये 3/2 कितना जाएगा? 1.5 ना, यस सर। 5√3 की वैल्यू कितना था भाई? इसको इधर लाओ, 3a/2, 5√3 की वैल्यू कितनी? √3 वैल्यू कितना? 1.732 इंटू 5, तो 5 से इंटू कर दो कितना जाएगा? 8.66, 8.66 है ना, 8.66 और माइनस क्या? 1.15, दोनों को माइनस कर लो, कितना जाएगा माइनस करने? 3a/2 की वैल्यू कितना जाएगा? माइनस करोगे तो कितना जाएगा? 7.51, यस सर, ये है ना, 7.5 मान लेते हैं लगभग, 7.5 मान लेता हूँ लगभग, सही है, तो इसको कितने बार निपटा दूंगा? 2.5 बार में, तो ये की वैल्यू कितना? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देख लो भैया, अप्रॉक्स बोल सकते हो, पूरा पूरा तो नहीं आएगा,
अप्रॉक्स में, सही है। देख लीजिए भैया, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन रहा है, ये दोनों क्वेश्चन। कोई आपको टफ लगा हो इन क्वेश्चनों में तो मुझे बता दें, मैं आंसर एक बार चेक कर ले रहा हूँ ये वाले का, ठीक है। इसका तो 5 सेकंड सही है ना, इसका क्या आंसर था? कैलकुलेशन एक बार चेक कर लें, अगर कैलकुलेशन सही है तो सब चीज़ सही है। 5 ही दिया आंसर, ठीक है, 5 ही एक्यूरेट 5 दिया। कोई दिक्कत? पक्का? समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ का था? ये दोनों जेई एडवांस के थे, ठीक है। जेई एडवांस टाइप का लग रहा है क्या? दूसरा वाला क्यों लग रहा है जेई एडवांस टाइप का? नहीं, क्या 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 इसमें कन्फ्यूजन है? ट्रेन आगे जा रहा तो उसका ट्रेन के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कहाँ हो जाएगा? उसका पीछे क्यों? बॉल का एक्सेलरेशन माइनस का ट्रेन का एक्सेलरेशन, सही है। बॉल का एक्सेलरेशन माइनस क्या? ट्रेन का एक्सेलरेशन। हेलो, नमस्कार, बोलिए ना। तो मेरा वो, अरे हमें है नहीं, वहाँ पर नॉक कीजिए ना, वो दे देगी आपको। हाँ भैया, ट्रेन का एक्सेलरेशन कहाँ है? किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड। ट्रेन का एक्सेलरेशन कहाँ है? आगे। अब ध्यान से समझना, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। एक तो ऐसे NLM पढ़ लो तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। NLM में क्या बोलता है ना कि अगर वहाँ बैठ जाओगे ना कहाँ, फ्रेम पे ही, तो एक सूडो फोर्स देना पड़ता है जस्ट उसके अपोजिट साइड में। तो सूडो फोर्स कहाँ पड़ेगा इस पे? बॉल पे पीछे, तो एक्सेलरेशन पीछे आ जाएगा। ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ। अरे इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये भी बड़ा आसान चीज़ है। मुझे कन्फ्यूजन होता था, मैं पहले सूडो फोर्स ही बताता था, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटिवली सोचोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ, बॉल का एक्स डायरेक्शन में कितना है एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? जीरो। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो जीरो है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ABT मतलब क्या? एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू क्या? ट्रेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एक्स में कितना है? जीरो। तो जीरो माइनस है, माइनस है, माइनस है मतलब पीछे। हाँ सर, जी तो है ही उसका अपना। अब क्या यार, कुछ नहीं, IIT टाइप का है ही नहीं क्वेश्चन, नहीं पूछना भी नहीं चाहिए IIT एडवांस वालों का ऐसा क्वेश्चन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट वही तरीके से निकाला, फिर एक्स में इक्वेशन लगा दिया। एक्स में अपन जो रिलेटिव पढ़े थे, अपन जो पढ़े थे प्रोजेक्टाइल, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन है। फर्क तो ये है बस। मैं तो बोला था भैया कि नहीं, आइडियल कंडीशन में। हेलो, दिखा दो जाकर। अरे यार, मैं क्लास ले रहा हूँ, मेरे दिमाग में चाटो, तुमको देने का इच्छा तो दो, ठीक है। हमको थोड़ा ही पता तुम मना कर रही थी। हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? हाँ चलिए, मिटा रहा हूँ भाई इसको। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जी नीचे लग रहा है, ए इधर लग रहा है, तो कुछ रिलेटेड तो दोनों का नेट एक्सेलरेशन उधर लग रहा होगा? तो हाँ, तो नेट एक्सेलरेशन तो इधर आ ही रहा होगा। नेट तो नेट इधर आता है, अगर ऐसे एक्सेलरेशन एंगल पर आता तो क्या ऐसे ही डील करते हो तुम? कंपोनेंट तोड़ के ही तो डील करते हो ना, तो कंपोनेंट टूटा हुआ तो और बहुत अच्छी बात है ना तुम्हारे लिए। डीलिंग होती है जो है ना इक्वेशंस का, वो कंपोनेंट तोड़ कर ही होता है, कभी एंगल पर थोड़ी आप डील करने जाते हो उसको। ठीक है, कंफ्यूज नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आपको लग रहा हो फोबिया टाइप का इस क्वेश्चन पे, लेकिन क्या फर्स्ट वाला भी टफ था क्या? दोनों आसान हैं, तो दोनों आसान, सच्चाई पूछो तो। मैं वाई में रिलेटिव क्यों नहीं फाइंड किया? वाई में ट्रेन का रिलेटिव कितना है? जीरो। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ क्या? ट्रेन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कितना? जी वाई में, और ट्रेन का जीरो, सही है। तो जी नीचे की तरफ ही रहेगा, कोई दिक्कत? पक्का ना? चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन, और उसके बाद हेडिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? वाटर बोट प्रॉब्लम, सेम चीज। काइनेमेटिक्स शायद अगले क्लास तक खत्म हो जाए, है ना, हमारे बीच में काइनेमेटिक्स सब नहीं रहेगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे? अंतिम संस्कार कर देंगे हम लोग, समझ में आया? अंतिम संस्कार नहीं करना रहेगा तो आगे जाकर बहुत यूज होता है, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन ये है, सुन लो भाई, कि एक पार्टिकल है जो ऐसे चल रहा है,
ये ओरिजिन है 0 0, सही है। और दूसरा पार्टिकल ऐसे चल रहा है वी से, और ये कोऑर्डिनेट क्या है, 0 D है, सही है। बात वही हुआ, चाहे एक्स वाई प्लेन में फेंको, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फेंको या वर्टिकल में फेंको, रिलेटिव एक्सेलरेशन की कोई चर्चा ही नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सही है। आपसे पूछा गया है मिनिमम डिस्टेंस बताइए, क्या बताओ बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में क्या बताओ, मिनिमम डिस्टेंस। इसको चलो बी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, ए बोल दिया। किसी एक को रोक लेते हैं, बी को ही रोक लेते हैं, है ना। लेट बी इज रेस्ट, बी कायम है, रेस्ट में क्या फाइंड करोगे, बी बी है ना। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, बी ए बी, हाँ बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, माइनस बी आई कैप, है ना, और माइनस बी जे कैप, सही है। ये आई और जे लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसे में डील क्या करो, ठीक है। अब सुन लो, अगर बी रेस्ट में है, अगर कौन रेस्ट में है, बी रेस्ट में है, तो ए की जो वेलोसिटी एक्स में क्या है, माइनस है, और वाई में भी क्या है, माइनस है, हाँ, तो 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे निकल जाएगा, सही है। और ये मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। नीट वालों को मॉडल में दिया जाता है, नीट वाले बोलते सर देखो ना सर, ऐसे 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 बनाया गया है, वैसे बनाया गया है, डिफ्रेंशिएशन किया गया है मैक्सिमम मिनिमम के लिए, हाँ सर। ये एंगल कितना, 45 डिग्री, और ये तो डी दे दिया ना यार, और ये क्या है, डी मिनिमम, ये क्या है, डी मिनिमम, देख लो भैया यही होगा ना डायग्राम, सही है क्या। अच्छा अब सुन लो, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूज, क्या लगाओगे, साइन 45 डिग्री, कितना, डी मिनिमम डिवाइड बाय क्या, डी, तो डी मिनिमम कितना हो जाएगा, डी बाई रूट टू, देख लो भाई खत्म, एक लाइन क्वेश्चन, सही है, कोई दिक्कत। जैसे एक और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन ये है कि ध्यान देना, ये बी पार्टिकल है और ये क्या है, ए है, सही है। बी चल रहा है 10 m/s से, सही है, और ये चल रहा है 10√3 m/s से, सही है, किले दोनों ओरिजिन की तरफ आ रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 0, -100, सही है, इसका कोऑर्डिनेट है -100√3, 0, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, 100√3, और ये वाला कितना, 100 डिस्टेंस, है सही है। अच्छा दोनों का स्पीड दे दिया हूँ, तो आपको बताना है मिनिमम डिस्टेंस, क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो इनमें क्या दिक्कत है यार, मान लो कि ऐसा समझ लो कि प्रोजेक्टाइल को यहाँ से फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया ऊपर, ऐसा समझ लो, प्रोजेक्टाइल रहे या ना रहे, क्वेश्चन तो वही हुआ, सही है। किसी एक को रेस्ट मान लेते हैं, किसको रेस्ट मान लेते हैं, एक को रेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, एक को रेस्ट मान लेते हैं, एक को रेस्ट, क्या फाइंड करोगे, बी बी ए, है ना, तो बी बी माइनस बी है, बी बी कितना है, 10 i कैप, माइनस 10 j, माइनस 10√3, है ना, बी सही है, ए की वेलोसिटी ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है, मतलब क्या, जे। बहुत लोग ये सोचते हैं ना बच्चे कि सर ऊपर की तरफ है जे, ये पूछ रहा था शायद, मानता हूँ, लेकिन ये तो है भी निगेटिव साइड में, निगेटिव साइड से क्या मतलब है, वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऊपर है तो जे कैप, वो कहीं रहे, यहाँ भी रहे, ऊपर है वेलोसिटी तो जे कैप, सही है, कोई दिक्कत, बोलोगे। अच्छा तो समझिए थोड़ा सा डायग्राम से, ये कितना है भाई, 10√3, ये 100 है, है ना, ये कितना है, 100, और ये वाला कितना है, 100√3, यहाँ पे कौन था, बी, और यहाँ पे कौन था, ए, सही है, कोई दिक्कत, क्या एंगल फाइंड कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं, tan थीटा 100/√3, 30 डिग्री। अच्छा ये कितने एंगल से निकला बी, अगर ए रेस्ट में है, अगर ए रेस्ट में है तो बी क्या है, 30 डिग्री पे ही जाएगा या कुछ और एंगल पे जा सकता है, देखते हैं, है ना, ये है ना बी बी ए, एक्स में कितना है 10, और वाई में कितना है 10√3, वाई में कितना है 10√3, कोई जरूरी नहीं कि सेम एंगल उसी एंगल पे निकल जाए, सही है। तो देख लो भैया ये एंगल कितना जाएगा, 60 डिग्री पे, यानी बी कितने एंगल पे निकल रहा है, 60 पे, मतलब 30 है, इससे ज़्यादा होगा हल्का सा, सही है, बोलो ना यार, तो कुछ ऐसे निकल जाएगा, सही है क्या, वो डायग्राम में ये वाला 60 नहीं, वो ऊपर वाला 60 होगा, कौन सा, टेन के साथ, हाँ ये वाला 60 डिग्री होगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, यानी ये कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 60, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, समझ में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, और डी मिनिमम चाहिए, तो यही तो हो जाएगा, डी मिनिमम परपेंडिकुलर डाल देंगे,
सही है क्या? अच्छा, उसके लिए ये पता होना चाहिए ए बी। क्या ए बी फाइंड कर सकते हैं? कितना? पाइथागोरस से रूट अंडर 100 का स्क्वायर प्लस क्या 100 रूट 3 का स्क्वायर। सही है, 100 का स्क्वायर बाहर, 100 कॉमन तो 10 आ जाएगा बाहर, 100 बाहर आएगा और 200 मीटर, यानी ये वाला कितना हो गया 200 मीटर। सही है, ये डी मिनिमम है। थीटा के सामने वाला साइन परपेंडिकुलर, क्या लिखूंगा? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या? डी मिनिमम डिवाइडेड बाई क्या? 200। साइन 30 कितना? 1/2। डी मिनिमम 100 मीटर। देख लो भैया, डी मिनिमम कितना आ गया? 100 मीटर। ऐसा क्वेश्चन कोई दिक्कत बोलोगे? नो सर। है कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई समस्या? नो सर। हालत खराब कर दूं क्या? कर दीजिए सर। एक आध क्वेश्चन और देकर? यस सर। नहीं करूंगा, कुछ लोग कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, कर दूं हालत खराब। यस सर। देखो यार सर, हमको करने दीजिए फिर वो क्वेश्चन। लो भाई, अब ऐसी बात है ना, चलो लो। गलत बोले यार तुम लोग, गलत बोल दिए यार, यही समस्या है। चलो मैं हालत ख़राब कर देता हूँ क्वेश्चन में, ठीक है? मैं सोचा था इसके बाद रिवर बोर्ड शुरू कर दूंगा, लेकिन तुमने ललकार दी हमको। सॉरी सर, रिवर बोर्ड स्टार्ट कर दीजिए। आप आह्वान किए सर कि हम ललकारें आपको। यस सर। तो अच्छा, चलो हालत ख़राब कर देते हैं। तुम लोग की इच्छा ये हालत खराब करवाने का, कर देते हैं। कुछ नहीं, मैथ लगा दूंगा रगड़ कर। मिनिमम मैक्सिमम वाले में डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? हाँ मैक्सिमम, अरे भाई वो सब मैथ की चीज़ें हैं, मैथ में पढ़ोगे उतना डिटेल में पूछोगे यहाँ पे मैं नहीं बता सकता। सही है कि मिनिमम और मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएशन ही क्यों करते हैं, ये सब मैथ्स के क्वेश्चन हैं। बस आप इतना याद रखिए, कहीं फिजिक्स में मिनिमम मैक्सिमम पूछ दिया है और एक्सप्रेशन वेरिएबल टर्म में है तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक डिफरेंशिएशन ही उसका एक तरीका होता है। यहाँ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इसमें कहाँ डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ? सही है। हाँ भाई, इधर वाला चला 3 मीटर पर सेकेंड से, इधर वाला चला 4 मीटर पर सेकेंड से। सही है। ये 10 मीटर है, ये कितना है? 10 मीटर, ठीक है। और ये भी कितना है? 10 मीटर। सही है। सेम क्वेश्चन, मिनिमम डिस्टेंस है तो डरा कह रहे हो, मिनिमम डिस्टेंस बताओ। सही है, किसी एक को रेस्ट मान लेते हैं। किसको रेस्ट मानते हैं? बी को। सही है, तो हम क्या फाइंड करेंगे? बीबीए। क्या फाइंड करेंगे? बीबीए। बीबीए क्या हो जाएगा? 3i cap minus। सही है। अरे ठीक है, इधर देखो, अरे इधर देखो, हालत खराब हो जाएगा। देखो ना भाई, है नहीं कॉन्सेप्ट पूरा वही लगने वाला है, लेकिन मैथ लगा कर हालत खराब कर दूंगा इसमें। जिसको मैथ आता होगा उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? है ना, उसको कोई हालत खराब होने की ज़रूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये आपका ए है और ऐसे इधर कहाँ कौन है? बी है। सही है, किसको भी अज्यूम किया? बी को। बी को रेस्ट में अज्यूम किया ना यार, ये ओरिजिन था। अच्छा, ये 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, तो लाइन ज्वाइनिंग वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सही है। बी को, हाँ ना, बी ए बी ना, ठीक है। सही यहाँ तक? अच्छा अब सुनो, अगर बी रेस्ट में है तो उसका एक्स में वेलोसिटी कितना है? 3। और वाई में कितना है? 4। तो इस एंगल पर निकलेगा टेन थीटा कितना हो जाएगा? 4/3। तो थीटा कितना? टेन इनवर्स 4/3। पक्का? 53 डिग्री। 57। अच्छा, ये टैन, ये देखो थीटा कितना जाएगा, सुन लो, यहाँ तो 4/3 आ गया, 5/12 आता, तब कितना डिग्री लाते हैं? तब लाते क्या डिग्री में? नहीं ना। तो थीटा कितना जाएगा? टैन इनवर्स 4/3। टैन थीटा में क्या होता है ना, थीटा को बढ़ाते हो तो टैन थीटा बढ़ता है। अच्छा, थीटा को बढ़ाते हो टैन थीटा बढ़ता है। जैसे मैं बोल दूँ टैन थीटा के फोर वैल्यू 4/3, ये 45 डिग्री से छोटा है या बड़ा है? बड़ा, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ा है। 1 पे टैन 45 होता है। मैं पूछूं कि tan थीटा की वैल्यू 5/12 है, tan थीटा कितना है? 5/12। सही है। तो 45 से बड़ा कि छोटा? छोटा है। मैं बोलूंगा tan थीटा की वैल्यू 20/9 है, 20/9 है, तो 45 से बड़ा कि छोटा? 20/9 1 से बड़ा वैल्यू है तो। सही है, तो अभी अपना अपना थीटा 45 से बड़ा कि छोटा? बड़ा है। तो इस साइड में निकलेगा या फिर इस साइड में? इस साइड में ना, इधर भी निकल सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? वो क्वेश्चन को डिपेंड करता है। तो इधर निकलेगा,
निकलेगा ऐसे? यस सर। यही तो हो जाएगा डी मिनिमम। हाँ, होगा होगा। यही क्या होगा? डी मिनिमम। डी मिनिमम सही है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है यहाँ तक। हाँ। ये कितना था यार? 10। ये कितना था? 10। तो ये 10, ये कितना जाएगा? 10√2। सही है। अच्छा ये एंगल आपको पूरा पता है? ये कितना? थीटा है। सही है। ये पूरा क्या है? थीटा है। सही है। तो ये वाला कितना जाएगा? थीटा माइनस 45 डिग्री। थीटा माइनस 45 डिग्री। देख लो भैया। यस सर। थीटा माइनस क्या? 45 डिग्री। सही है क्या? यस सर। अब क्या इक्वेशन लिखोगे? सुन लो क्या लिखोगे सर। साइन थीटा माइनस 45 डिग्री। हाँ। साइन क्या? थीटा माइनस 45 इज इक्वल टू क्या लिखोगे भाई? परपेंडिकुलर डी मिनिमम बाय 10√2। सही है क्या? हाँ। अब इसकी वैल्यू पता है क्या? साइन थीटा माइनस 45 डिग्री का नहीं, तो साइन ए माइनस बी लगाए। हाँ, क्या लगाओ? साइन ए माइनस। तो साइन ए कॉस बी यानी साइन थीटा इंटू क्या? कॉस 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा इंटू क्या? साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या? डी मिनिमम डिवाइडेड बाई 10√2। क्या साइन थीटा कॉस थीटा है आपके पास? कहाँ है? टैन थीटा है। हाँ सही है, टैन थीटा है। तो टैन थीटा 4/3 है। साइन थीटा कितना जाएगा? 4/5 है ना। ट्राइंगल लगा के निकाल लोगे इंटू क्या? 1/√2। और कॉस थीटा कितना? 3/5 3/5 इंटू 1/√2। और डी मिनिमम डिवाइडेड बाई क्या? 10√2 इंटू 1/√2। सही है। बिल्कुल 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 जल्दी माफ कर दो जल्दी। डी मिनिमम डिवाइडेड क्या? 10√2। रूट टू कॉमन आकर हट जाएगा। 4/5 माइनस 3/5 है। छोड़ो ना यार, 1/5 का है बेचारे को मरे का है मार रहे हो। डी मिनिमम डिवाइडेड क्या जाएगा? 10। डी मिनिमम की वैल्यू कितना जाएगा? इतना भी आसान नहीं है, भाई वालों को छोड़ जाएंगे। ठीक है सर, वो अभी आप करते चले गए इसलिए आसान लगा। ठीक है, उतना भी आसान नहीं है जितना तुम लोग सोच रहे हो। ठीक है, वही एक स्टेप तो अलग है बस। हाँ वही स्टेप, मतलब उसकी वैल्यू तोड़ना रहता है बस सर। सही बोल रहे हो। और ये जजमेंट करना कि इधर निकला कि इधर निकला। अगर इधर कोई निकालता तो एंगल को 45 माइनस थीटा ले लिया होता, तब तो 45 बड़ा हो जाता ना कुछ, जिसको ज्ञान नहीं होता कि टैन थीटा 1 से बड़ा रहने पर थीटा 45 डिग्री से बड़ा होगा। सही है, तो इसको याद अच्छा। ठीक ठीक हो गया। साइन ए माइनस भी है ना, साइन ए माइनस भी, साइन ए कॉस भी माइनस कॉस ए साइन। तुम कल का फोटो भेजे थे नहीं भेजते? हाँ सर। सही है, तो ये सब रिलेटिव प्रॉब्लम पे 2D में डिस्कशन था। सही है, 2D का पहला डिस्कशन था। अब दूसरा नंबर डालें रिवर बोट्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट नंबर रिवर बोट प्रॉब्लम। काइनेमेटिक्स हमारे बीच अगले क्लास तक शायद ना रहे। सही है। हाँ ना रहे, हम लोग रोएंगे बैठकर और टेस्ट देंगे और फिर तुम लोग को रुलाऊंगा मैं। ठीक है, देखो मैं तुम लोग को जितना क्वेश्चन कराया हूँ बहुत सफिशियंट है, इतना क्वेश्चन नहीं करवाया जाता है, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। इतना क्वेश्चन करवाया ही नहीं जाता, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेवल बढ़िया मेंटेन किया गया है। आप देख लेना, अगर कहीं कोई करवाया होगा इतना क्वेश्चन तो बताना हमको। ठीक है, और क्या बोलूँ, फेंक रहे हो सर, पढ़ाओ चुपचाप। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप हेडिंग डालते हैं क्या? रिवर बोट प्रॉब्लम। इसमें बड़ा बच्चों का कन्फ्यूजन होता है यार, हमको नहीं समझ में आया आज तक क्यों कन्फ्यूजन होता है। ऐसे कन्फ्यूजन तो मुझे भी होता था लेकिन मुझे कोई पढ़ाया नहीं जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्या ना, मुझे फिजिक्स आती ही नहीं थी शुरू में, सच्चाई बात बोल रहा हूँ। है ना, मैं 11th 12th में फिजिक्स का ट्यूशन ही नहीं किया, समझ गए? नहीं तो फिर ड्रॉप आउट में जाकर वहाँ पढ़े, वहाँ भी हमको नहीं समझ में आया। 11th 12th जो बच्चा पढ़े नहीं रहेगा वहाँ ड्रॉप आउट में क्या समझ में आ जाएगा उसको? ड्रॉप में तो थोड़ा सा आगे चलते हैं लोग, तो वहाँ भी बिल्कुल नहीं धंसा। फिर जेई मेन में -4 नंबर लाया फिजिक्स में, -4। हाँ तो तुम लोग पता नहीं -4 वाला आदमी पढ़ा रहा है, सोचो है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में आया तो वहाँ भी नहीं धंसा अपने को। जब मेरे सामने नौबत आई कि नहीं इसको तुम पढ़ा सकते हो, चंदन सर बोले इसको तुम पढ़ा सकते हो, तुम अपनी ताकत को आजमाओ, मैं आजमाना शुरू किया, समझ गए? तो आजमाना शुरू किया तो धीरे धीरे मज़ा आना शुरू हो गया है ना। मतलब स्टार्ट मजबूरी में किए से फिर मज़ा आने लगा, समझ गए? हाँ, रिवर बोट प्रॉब्लम। सबसे पहली बात हम लोग डायरेक्शन की जानकारी लेते हैं, है ना। जैसे मान लो कि बच्चे को डायग्राम ही नहीं बनाने आता है, बच्चा कर कहाँ से पाएगा? ये मान लो नदी है, नदी बह रही है, नदी क्या कर रही है? बह रही है, नदी तो बहती है, ये बहता हुआ नदी है,
बहता हुआ नदी है, मैं ना कुछ लोग बोलता हूँ माइनस चार नंबर आया तो भड़क जाते हैं, यही पढ़ा रहा है तो मैं थोड़ा पुराना हो जाने के बाद बोलता हूँ बच्चों को, मुझे तो पता नया में भड़क जाएगा वो, हैं ये पढ़ा रहा है, ये नदी है बहता हुआ नदी है, बहता हुआ नदी, कोई भी नहा सकता है इसमें। वर्चस्व गया छलांग मार दिया, वर्चस्व बोला मैं तो कूदूंगा, नदी इधर बह रही थी है ना। स्पीड ऑफ रिवर को बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं जो भी इच्छा करें, स्पीड ऑफ रिवर कितना बोल देते हैं, भी यू बोल देते हैं कि रिवर का स्पीड कितना है, मतलब नदी इधर बह रही है कितने से, यू से, सही है क्या, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा वर्चस्व छलांग मारा, वर्चस्व क्या लगाया, छलांग, छलांग की बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है, वर्चस्व जाएगा सीधे ऐसे करके तैरेगा, या फिर इधर ऐसे, या फिर इधर ऐसे कूदेगा, है हो सकता है ना, वर्चस्व जहाँ मर्जी वहाँ कूद सकता है, नदी ऐसे बह रही थी, वर्चस्व को उधर जाना था, वो खड़ी थी उसके पास जाना था, मैं तो तेरे बिना रह नहीं पाऊंगा। अब देखो जो छलांग लगाने की पॉसिबिलिटी होती है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मान लो कि पहला मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में छलांग लगाया हूँ, है ना, स्विमर मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ क्या, रिवर, सही है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, मैं आपको करके सब चीज़ बता रहा हूँ, स्विमर मूव्स इन कहाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, स्विमर कहाँ मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो आप अभी अभी कुछ आप नहीं जानते, आप कुछ नहीं जानते, मान लो आप कोई रिलेटिव रिलेटिव नहीं जानते हो, सही है। अब मुझे ये बताना थोड़ा सा सोचकर कि स्विमर कूदा कहाँ, परपेंडिकुलर कूदा, ऐसे कूद गया, वर्चस्व छलांग लगा दिया, है ना, नदी में कूद गया खड़ाक, तो क्या वर्चस्व सीधा यहाँ पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, नदी उसको धक्का मारेगा, बे चल इधर भी चल, मेरे कारण इधर चल, इधर मेरे कारण इधर चल, मेरे कारण नदी उसको ठेल के, है ना, बहता हुआ नदी उसको ठेल के यहाँ नहीं लाएगा, कहीं इधर ले आएगा, कहाँ लाएगा वो उसकी अलग बात है, है ना, वो कहाँ ले आएगा, सी पे, सही है। ये किसका है, स्विमर का डायरेक्शन है, है ना, स्विमर ऐसे कूदा था लेकिन वो चाहता था यहाँ पहुँचना, लेकिन वो यहाँ पहुँच गया, यानी ये इसकी इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, सही है। किसका रियल पाथ कौन होगा, ए सी या बेबी, ए सी रियल पाथ होगा, और नदी रुका हुआ रहता तो मतलब नदी के रेस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट मतलब क्या, रुका हुआ नदी के रेस्पेक्ट में कहाँ गया, वो परपेंडिकुलर गया है, रुकी हुई नदी में वो कहाँ गया, सीधा गया है। आप सोच के देखो, जिस समय आप कूदे उस समय यहाँ पे एक छोटी सी कोई पत्ती है, पत्ती, पेड़ की पत्ती, उसमें एक चींटी को बैठा दो, तो चींटी भी तुम्हारे साथ बहना शुरू करेगा, पत्ती भी बहते रहेगा, सही है, तो ये भी बहना बेचारा शुरू करेगा, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तुम जो इतना चले हो, कौन चलाया तुमको, नदी चलाया, इतना धक्का मार के कौन ले आया इधर, नदी, तो ये भी बेचारा को धक्का मार के नदी यहाँ पे ले आएगा, तो ये क्या सोचेगा, इसके मन में क्या विचार आएगा, चींटी के मन में ये विचार आएगा, चींटी बोलेगा कि भाई तू हमको यहाँ दिखाई दिया था, चींटी तो मन में ही सोचेगा तू हमको सीधा दिखाई दिया था, तू मेरे सामने आ गया, तो नदी के रेस्पेक्ट में कहाँ चला वो, सीधा चलते हुए दिखाई दिया, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो ऐसा चलेगा, सही है, पक्का, यानी इधर चला तो इधर मुड़ जाएगा। अच्छा इधर मान लो कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि भाई स्विमर ऐसा कूद सकता है, उसके कहीं भी कूदने की इच्छा, कहीं भी कूद सकता है वो, नदी इधर बह रही है यू से, मान लो स्विमर इधर एंगल बना के कूद जाए, इधर एंगल बना के हेड करता हो, सही है, थीटा एंगल पे, सही है। स्विमर कितने स्पीड से कूदा है, बी से, कितने से कूदा है, बी से, समझ में आ रहा है। तो भाई ये तो सीधे तो नहीं जा पाएगा यहाँ पे, जैसे कूदा था, जैसे जाना चाहता था, वैसे नहीं जा पाएगा, सही है। वो मे भी यहाँ आ सकता है, मे भी सीधा भी आ सकता है, सही है, ऐसे भी आ सकता है, या फिर मान लो कि डिपेंड, मैं बता रहा हूँ कब डिपेंड कैसा करेगा, मान लो कि यहाँ कूदा वो, सही है, तो वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ ना पहुँच के, उसकी फाइनल डेस्टिनेशन ये भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है फाइनल डेस्टिनेशन, और एक इसके इस लाइन के राइट साइड में भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है, सही है, बोलोगे, पक्का ना, यानी उसका जो है ये है, ये स्पीड कितना था, भी था, उसका फाइनल डेस्टिनेशन इधर भी हो सकता है, सही है, कोई दिक्कत, अब सोचो थोड़ा दिमाग लगाना, अभी चर्चा सबकी बाद में करेंगे, अब सोचो कि इतना
इधर कब आ जाएगा? बिल्कुल इधर। नदी का स्पीड बहुत कम रहेगा या बहुत ज्यादा रहेगा? तो बहुत तेजी से नदी बहते रहेगा तो इधर ले आएगा, तो बहुत धीरे बहते रहेगा तो इधर ही लाकर छोड़ देगा। हाँ, और उससे हल्का सा ज्यादा तेज बहते रहा तो सीधा आ जाएगा वो। पक्का? इसको किसको? स्वीमर को। एक्स में यहां पे इतना चला, यहां पे एक्स में कितना चला, यहां पे एक्स में कितना चला? अरे यहाँ पर राइट लेफ्ट चला कि नहीं चला? नहीं चला, नहीं चला ना। यहाँ पे कितना चला? इतना चला, लेफ्ट में चला। यहाँ पे कितना चला एक्स में? जीरो। यहाँ लेफ्ट राइट कुछ नहीं हुआ, सीधा पहुंच गया। और यहाँ पर राइट में इतना चला, एक्स चला, चला कि नहीं चला? है चला। अच्छा, स्विमर की अपनी खुद की स्पीड क्या है भाई? बी है। खुद की स्पीड क्या है? बी है, सही है क्या? और नदी का स्पीड इधर कितना है? यू है। और स्विमर को आप कितने एंगल पे हेड करवाए थे? थीटा पे। समझ आ रहा है? तो स्विमर के वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट? दो कंपोनेंट, एक तो इधर आ जाएगा क्या? वी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल ऊपर से दे दिया हूं। और इधर वाला क्या आ जाएगा? वी साइन थीटा, सही है। और इधर इधर नदी का स्पीड कितना? इधर यू। अच्छा, ऊपर चलवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? ऊपर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ? वी कॉस थीटा। और लेफ्ट राइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? क्या दोनों रिस्पॉन्सिबल या कोई एक रिस्पॉन्सिबल हुआ? दोनों रिस्पॉन्सिबल हुए। ऊपर चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल, ऊपर चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वी कॉस थीटा। और लेफ्ट राइट चलवाने के लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है। अगर ये मजबूत हो गया कौन? यू। यू की वैल्यू ज्यादा हो गई तो यू अपने तरफ इफेक्ट लाएगा। मान लो ये पांच है, दस है, ये पांच है, क्या है? तो ओवरऑल राइट जाएगा लेफ्ट? मतलब ऐसा अगर मान लो ये 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 मजबूत हो गया कौन? वी साइन थीटा। कौन मजबूत हो गया? वी साइन थीटा। तब ओवरऑल लेफ्ट या राइट? दोनों बराबर। और अगर दोनों बराबर हो गए तो दूसरा, ये भी दस ये भी दस, तो एक्स में भूस, एक्स में भूस, एक्स में वेलोसिटी कितना? जीरो। तो ठीक बीचों बीच पहुंचेगा। ऐसा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा कब हो सकता है भाई? सुन लो, ऐसा कब हो सकता है? ऐसा ऐसा कौन ज्यादा होगा? बी साइन थीटा किससे बड़ा हो? यू से। और ऐसा कब हो सकता है सर? क्या दिमाग खुल रहा है? समझ में आ रहा है? और ऐसा कब हो सकता है सर? स्मॉलर देन यू, सही है क्या? ये क्या है तुम्हारा? इसको डी बोल देता हूँ। नदी की चौड़ाई क्या बोल देता हूँ? डी। बहते हुए नदी की चौड़ाई कितनी है भाई? डी है। हर एक केस में नदी की चौड़ाई क्या है? डी। अब मुझे टाइम चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? लोग ना वेक्टर फार्मूला लगवा लगवा के बच्चों को रिजल्टेंट ऐसे निकाल वैसे निकाल कन्फ्यूज कर देते हैं। समझ में आ रहा है? उनको आता ही नहीं कुछ, खुद नहीं आता तो दूसरों को कन्फ्यूज करेंगे भाई। अब सोचो कि मेरा कहना ये है कि भैया सुन लो, ये कितना, ये वाला कितना है? डी है। ये वाला क्या है? डी है। तो टाइम की वैल्यू क्या जाएगा हर एक केस में? ये वाला क्या है? डी है। यहाँ भी ये कितना है? डी है। यहाँ भी कितना है? इसको ऊपर चला कौन रहा है? तो डी बाई वी कॉस थीटा। सही है। अच्छा, सही यहाँ तक यही टाइम हो जाएगा? ऊपर चला कौन रहा है सर? वी कॉस थीटा, खत्म। सोचना ही नहीं चाहता, दिमाग ही मत लगाओ। अच्छा, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर मैं ये एक्स पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ? ये एक्स पहले वाले में है ना, पहले वाले डायग्राम में एक्स पूछूं, इसमें मजबूत कौन था? इसमें बड़ा कौन था? बी साइन थीटा। यू क्यों बड़ा था ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ओवरऑल कहाँ आया? वो लेफ्ट में। सही है। ये लेफ्ट खींचना चाहेगा, ये कहाँ खींचना चाहेगा? राइट। तो यहाँ पे क्या बी साइन थीटा बड़ा हो जाएगा? बी साइन थीटा माइनस यू इंटू क्या? टाइम। ये पहले डायग्राम की बात हुई, ये दूसरा डायग्राम का बात हुआ, और ये तीसरे डायग्राम का बात हुआ। मैं आपको क्वेश्चन करवा करवा के बताऊंगा, अभी समझो बस, फील करो। सही है। अगर मैं ये पहले डायग्राम की बात है, किसी बात है? पहले डायग्राम की बात है। मैं इस डायग्राम पे थर्ड पे, क्योंकि सेकंड में तो एक्स है ही नहीं कुछ। हाँ, तो उसमें कुछ जरूरत ही नहीं है। मैं पूछूंगा ये एक्स बताओ भाई, ये वाला एक्स, एक्स यू माइनस क्या? बी साइन थीटा। एक्स में डिस्प्लेसमेंट तो यही है ना यार? एक्स में इनिशियली यहाँ था, एक्स में फाइनली यहाँ पहुँचा था, एक्स में चला वो इतना। सही क्या? बहुत लोग सोचते इतना चला थे, अरे एक्स में तो चला इतना ही ना भाई, है ना? कितना? यू माइनस बी साइन थीटा इंटू क्या? क्या दिक्कत? No. समझ में आ रहा है? Yes. अगर ये तीनों केस आपको ढंग से समझ में आ गया हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं जाने वाला है। समझ में आया? हेलो, ठीक है? Yes. अगर ये तीनों केस आपको समझ में आ गया हो तो कोई तकलीफ नहीं जाने वाला है। पक्का? Yes. मिटा दूं? No, sir, दो मिनट। पूरा चीजों को विजुअलाइज करो, समझो। Yes, sir. सही है? Yes, मिटा रहा हूँ भाई। कौन सा? सर फॉर्मूले तो खुद बना भी सकते हैं।
हाँ ऐसा ग्राउंड से आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तब ऐसा, और टाइम तो भाई कहीं से ऑब्जर्व करो वही आएगा। क्या हुआ सर अगर स्विमर को ही रेस्ट में मान लिए तो कैसा हो जाए? अरे यार उठाओ यार, ओह ये फोन वो ना करना मेरा दिमाग खराब करता है। सही यहाँ तक? अच्छा अब देखो किताबी फार्मूला क्या बोलता है, मैं समझा रहा हूँ उसको भी, अभी करेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करना, बढ़िया समझ में आएगा, जबरदस्त टाइप का, कोई तकलीफ नहीं जाएगा। किताबी फार्मूला क्या बोलता है? किताब वाले बोलते हैं कि भाई ध्यान देना, किताब वाले ये बोलते हैं भाई वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वी एम मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, रिवर, दैट इज इक्वल टू क्या, वी एम माइनस क्या, वी आर। सही बात है, पढ़े ऐसा हाँ सर, है ना हाँ। तो वी एम की वैल्यू कितना आ जाएगा, वी एम वेक्टर क्या आ जाएगा, वी एम आर वेक्टर प्लस क्या, वी आर वेक्टर। सही है, यानी वी एम इज द एडिशन ऑफ किसका, इज द एडिशन ऑफ किसका, किसका एडिशन, वी एम आर एंड किसका, वी आर, ये दोनों का एडिशन है। एडिशन मतलब क्या, रिजल्टेंट, आप पढ़े हो वेक्टर में, वेक्टर ऐड करना मतलब क्या, रिजल्ट फाइंड करना है, समझ में आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर वी एम आर ऐसे रहा, वी एम आर ऐसे रहा और वी आर ऐसे रहा, तो यही दोनों का रिजल्ट कौन है, बी एम, तो रिजल्ट बीच से निकलता है ऐसे कहीं से। सही है, यानी ओवरऑल नेट वो ऐसे चलेगा, यही दोनों का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट कैसे फाइंड करोगे यार, कंपोनेंट वगैरह तोड़कर। अगर मान लो कि वी आर ऐसे रहा और वी एम आर ऐसे रहा, सही है, तो ऐसे निकलेगा वो, कुछ जरूरी 45 निकलेगा, तो ये रिजल्ट होगा ना यार। अरे रिजल्ट तो ये होगा ना, मतलब ओवरऑल ऐसे चलेगा वो, ओवरऑल चलेगा वो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये रहेगा, ये थीटा पूछा जाएगा तो टेन थीटा वी एम आर वाई वी आर, सही पुरानी चीज, ये भी 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 क्या है, रिजल्ट है ना नेट, तो रूट अंडर का वी एम आर स्क्वायर प्लस क्या, वी आर स्क्वायर। अगर मान लो, सुन लो मैं वी एम पूछ लूँ तुमसे, क्या पूछ लो, वी एम, कन्फ्यूज नहीं होना है, और ये मान लो वी एम आर क्या है तुम्हारा, कुछ बोल देता हूँ इसको, वी बोल देता हूँ, है ना, ये वी एम है, सही है, और ये वी है, और ये वी आर की कितना बोल रहा हूँ यू, और ये भी कितना यू, सही है, सही है। अब सुनो, तो इस अब ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ क्या, थीटा, ये एंगल क्या बोल रहा हूँ, थीटा, वर्टिकल से या हॉरिजॉन्टल से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है क्या, तो एक्स डायरेक्शन में नेट कितना हो जाएगा, यू माइनस वी साइन थीटा, वी साइन थीटा, वी एम लिख रहा हूँ, ये यू पूरा हो गया, इधर क्या, वी साइन थीटा, आई कैप, प्लस भी कॉस थीटा क्या, जे क्या, यहाँ पे इस केस में पूछो, वी एम लिख के बता दो भाई, इस केस में जल्दी बताओ, यू आई कैप, है ना, और वी एम आर की वैल्यू भी प्लस वी जे कैप, तो मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछा जाए फाइंड कर लो, कोई दिक्कत, पक्का ना, समझ आ रहा है, हो तो सकता है कि वी एम आर ऐसे रहे तो वी एम ऐसे निकल जाएगा बीच से, सही है क्या, समझ आ रहा है, क्लियर हो, हाँ सर, नहीं बोलते यार, हाँ, अच्छा इसमें नोट करने वाली बात ये रहेगी कि कभी भी कंफ्यूज ही करता है कि स्पीड ऑफ स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर, है ना, स्विमर का स्पेलिंग सही लिखाऊं क्या, गलत लग रहा है आपको, डबल एम आएगा, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर, स्टील वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, मतलब पानी रुका हुआ है, मतलब नदी रुका हुआ है, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर, इसका मतलब क्या समझोगे कि ये वी एम आर है या वी एम है, यानी ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है या फिर वी एम है, वी एम आर है, ये क्या है, वी एम आर, बताओ वर्चस, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर मींस इसका मतलब क्या समझोगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, हाँ नदी को रोक ली तब बात कर रहे हो ना यार, हाँ ये कंफ्यूज नहीं रहना, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर मींस क्या, है ना, वेलोसिटी ऑफ मैन
मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या रिवर सही है क्या वेलोसिटी ऑफ मैन क्या विथ रिस्पेक्ट टू क्या रिवर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें कभी भी स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टील वाटर बोला गया है इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है रिवर है क्लियर हो जैसे क्वेश्चन है स्पीड ऑफ स्विमर स्पीड ऑफ क्या स्विमर इन स्टील वाटर इन क्या स्टील वाटर कितना इन स्टील वाटर मान लो क्या 10 मीटर पर सेकंड है कितना है 10 मीटर पर सेकंड सही है yes. और मान लो ऐसा है कि नदी बह रही है नदी क्या कर रही है बह रही है बह रही है नदी क्या कर रही है बह रही है बह रही नहीं बह रही है नदी बह रही है नदी मान लो कितने से बह रही है 8 मीटर पर सेकंड से कितने से बह रही है अब स्विमर था कौन था स्विमर वो ऐसे कूदा ऐसे कूदा कितना एंगल बनाते हुए कूदा मान लो कि 30 डिग्री सही है और ये मान लो कितना है भाई 20 मीटर है ये कितना है 20 मीटर तो कहाँ पे जाएगा कितना टाइम लगेगा ये सब चीज आपको बताना है बिल्कुल रियलिस्टिक सिचुएशन पे बनाते हैं है ना बहुत लोग टाइम बताओ अभी वो गया कहाँ कैसे गया सब बताओ सही है अब सुनो मेरी बात इधर तो नदी बह रही है इधर कौन बह रही है नदी कितने से बह रही है 8 मीटर पर सेकंड से सही है नदी इधर बह रही है 8 मीटर पर सेकंड से इधर या उधर कहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ऊपर एरो बनाओ या नीचे बनाओ स्विमर कूदा था ऐसे कितने से कूदा था भाई 10 मीटर पर सेकंड से सही है और यही दोनों मिलकर नेट इफेक्ट चलाएंगे सही है यही दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा जो स्विमर को मिलेगा वीएम होगा सही है अब सुनो मेरी बात ये एंगल क्या है भाई 30 डिग्री ये क्या है 30 डिग्री सही है अब समझना सही है यहाँ देखो ये समझना भाई यानी इधर तो नदी के कारण 8 है हाँ। नदी कारण क्या है 8 है इधर क्या जाएगा 100 cos 30 ए सॉरी इधर देखो ए 10 cos 30 5√3 ऊपर की तरफ सही है और इधर क्या 10 sin 30 कितना 5 सही है क्लियर हो तो यानी कौन बड़ा ज्यादा हुआ राइट साइड वाला तो यानी कितना हो जाएगा इस साइड में नेट 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 5√3 यानी ओवरऑल कहाँ पहुंचेगा वो मान लो ये ए है बी के राइट साइड में या बी के लेफ्ट साइड में राइट साइड में पहुंचेगा बी के कहाँ पहुंचेगा वो राइट साइड में समझ में आया अच्छा टाइम पूछ लो टाइम तो इधर इधर वाला डिस्टेंस दिया हुआ है ऊपर वाला ऊपर में कितना डिस्टेंस 20 और ऊपर में स्पीड कितना है 5√3 कितना 4/√3 सही है अच्छा रियलिस्टिक सिचुएशन क्या है कि सर जी वो पहुंचा कहाँ है कहीं इधर पहुंचा होगा सही है मतलब रिजल्ट इस लाइन के इधर जाएगा समझ आ रहा है सही है तो ये x x चाहिए आपको क्या चाहिए ये x है ना इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट डरावना नाम क्या बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट समझ में आ रहा है अच्छा तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा यार इधर कितना स्पीड है 3 है नेट ना इंटू 4/√3 कितना जाएगा 4√3 मीटर देख लो भाई सही है ये हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का लाएगा कौन 4√3 मीटर समझ में आ रहा है कहाँ गया कहाँ नहीं गया सारी बातें आपको समझ में आ रही है पक्का देख लो भैया कोई समस्या यहाँ तक पक्का ना क्लियर हो भाई लोग हो गया हेलो हाँ बोलो हाँ ना क्लास ठीक अच्छा मैं ये पूछ दूँ कितने हैं एंगल पे हेड किया ये बता सकते हो हाँ सर ये वाला ये थीटा कितने टेन थीटा सही है 5√3/3 है ना बता सकते हो ना सब एंगल 5√3 बाई क्या 3 टेन इनवर्स 5√3 इतने एंगल पे वो रियल में हेड किया रियल रियलिस्टिक सिचुएशन मतलब जो ग्राउंड पर आदमी जो रहेगा वो इतने एंगल पर उसको देखेगा जाते हुए ठीक है ठीक है बिटा रहा भाई हाँ मतलब उस छोर का फाइनल पॉइंट इस छोर के इनिशियल पॉइंट को मिलाने से जो एंगल बना वो कितना बना ठीक है इधर एंगल बना कि उधर एक ही रहेगा ना क्या क्या ये भी 30 रहेगा ये भी 30 रहेगा जैसे ये थीटा है तो उधर वो ऐसा जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा ही रहेगा कौन ये वाला हाँ ये तो इक्वल है दोनों अगर पूछता है तो कोई भी मान सकते हैं ना हाँ नहीं ज़्यादातर ये एंगल पूछा जाता है कि बताओ स्विमर किस एंगल से हेड किया था किस एंगल से कूदा था तो मतलब ये एंगल पूछ रहा है कि नदी के रेस्पेक्ट में किस एंगल से कूदा है ये ज़्यादातर पूछा जाता है लेकिन कभी वो पूछ लिएगा तो वो ही बता देंगे अपन सही क्या
यहाँ तक कोई समस्या? ए क्या हो गया? सर मेरे को नहीं लगता था ये चैप्टर कंप्लीट होगा। क्यों नहीं लगता तुमको? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ब्रेन प्रॉब्लम में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अच्छा ठीक है, तो नहीं लगता तो क्या किया जाए तुमको? केक खिला दिया जाए। यस ना लाया खा देने। चुप रहे। हाँ भैया, भैया ए भैया बच्चे सब ने बर्थडे की पार्टी नहीं। मान लो है ना कि ये भाई कूदा कितने से? 12 मीटर पर सेकंड से। कितने से कूदा? 12 मीटर पर सेकंड। नदी बह रही है। yes. नदी क्या कर रही है? बह रही है। है ना? यस सर। इफ ही वांट्स टू रीच एट बी, मतलब जस्ट अपोजिट है बी ना? यस। फाइंड एट विच एंगल, एट विच एंगल ही विल स्विम विथ रिवर। रिवर के साथ किस एंगल पे वो क्या करेगा? स्विम करेगा। रिवर के साथ एंगल बताना है, मतलब ये टोटल एंगल बताना है। चलो इसको मान लेते हैं, फिर 98 कर देंगे। 120 डिग्री ठीक है, कोई दिक्कत? उसको सीधा कहाँ पहुँचना है यार? है? अब सुनो मेरी बात, नदी का स्पीड कितना है? 6 मीटर पर सेकंड। तो इधर का एक तो 6 हो गया। यस सर। इधर का एक कंपोनेंट क्या जाएगा? 12 कॉस थीटा। इधर क्या जाएगा? अगर उसको सीधा बी पे पहुंचना है, मतलब क्या लेफ्ट राइट कुछ होना होगा उसको? तो यानी ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए? पक्का ना? सिक्स इज क्वेश्चन क्या लिखोगे? 12 साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना? 1/2। थीटा कितना? 30 डिग्री। ये किसके साथ आया? वर्टिकल लाइन के साथ। विथ रिवर कितना जाएगा? 90 प्लस 30। विथ रिवर कितना जाएगा? 120 डिग्री। 90 डिग्री प्लस क्या? 30 डिग्री, यानी कितना? 120 डिग्री। सही है, बोलोगे? अच्छा ये मान लो ये चौड़ाई में दे दूँ, ये है आपका 100 मीटर, कितना है? 100। टाइम बता सकते हो आप? हाँ सर। टाइम कितना जाएगा? 100 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 12 कॉस थीटा। 12 कॉस थीटा। कॉस थीटा थीटा कितना आया? 30 आया ना? यस सर। कॉस 30 कितना था? √3/2। ये 12 क्यों लिखते हैं? ओह 100 बाई, सॉरी यार, ये 6 हो जाएगा है ना? 50/3 से सही क्या? ये टाइम लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मांगे निकाल दोगे? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है ही नहीं, निकालो क्या रखे तो बेबड़ो। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है ही नहीं तो क्या निकालोगे? गला पजामा छाप। मान लो ये क्या है? ये है, ये क्या है? बी है। सही है। yes. ये मान लो 15 मीटर है ठीक है? yes, sir. और वो कूदा कितने से? 16 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 16 मीटर पर सेकंड। क्लियर हो? नदी बह रही है 12 मीटर पर सेकंड से। कितने से बह रही है? 12। तो थीटा बताना है ताकि वो बी पे पहुंच जाए। yes, sir. है ना? yes. थीटा सच दैट ही विल रीच कहाँ? कहाँ रिच पहुँचे वो? बी पे। अभी बेबी हमसे बात की थी क्या? हाँ सर। है? हाँ। क्या बोले उसको? आना है। ठीक है। थ्री। हाँ भाई, वो बी पे पहुँचना है, तब पर सीधा जाना है बिल्कुल। हाँ, राइट लेफ्ट कुछ होना नहीं है, तो इधर। हाँ, तो इसके लिए क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल करवाते हो यही ना? सीख लिए ना? 12 बजे का शू क्या लिखोगे? तो साइन थीटा का वैल्यू कितना? 3/4। थीटा कितना? साइन इनवर्स 3/4। +90। अगर कॉस थीटा पूछा जाए बता सकते हो? हाँ सर। ये क्या है? परपेंडिकुलर बाय क्या? हाइपोटेन्यूज ना यार। 5/4। ये रूट सेवन आ जाएगा। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? √7/4। तो 3/5 बल नहीं है रे गधा। पजामा छाप है ना? टाइम पूछा जाए तो टाइम कितना हो जाएगा यार? टाइम हो जाएगा 15/15 क्या? √7। ये 16 कॉस थीटा ना? √7/4। सही है।
तो 15 बाई क्या 16 इंटू क्या रूट 7 बाई क्या 4 सही है 4 सही है जो भी आ जाए ठीक है कितना जाएगा यार 15 बाई 4 रूट 7 सेकंड ठीक है कोई दिक्कत है नहीं बोलते यार नो प्रॉब्लम अच्छा बच्चे को समझ में आ रहा है तो बताओ 50 गधा ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड है नदी कितने से बह रही है 10 मीटर पर सेकंड है ना और ये कूद गया मान लो 8 मीटर पर सेकंड से कितने से कूदा 8 मीटर पर सेकंड थीटा बताना ताकि वो बी पे पहुंचे थीटा सच दैट ही विल रीच एट कहां पे बी पे ही विल रीच एट बी हां बताओ एक एक मिनट बोलने दो उसको हाँ 8 साइन थीटा इज इक्वल टू 10 पक्का कितना कितना जाएगा थीटा कितना जाएगा थीटा जाएगा साइन थीटा 5/4 वो तो हो ही नहीं सकता ऐसा हो सकता है क्या रे गधा साइन थीटा 5/4 हो सकता है क्या साइन थीटा बड़ा हो सकता है साइन थीटा 5/4 बड़ा हो सकता है नहीं ऐसा पॉसिबल वो पहुंच ही नहीं पाएगा बी पे कभी अगर ऐसा रहा तो अब देखो बहेगा क्या होगा देखो इधर 10 था स्पीड सही है इधर क्या था 8 cos थीटा इधर क्या था 8 sin थीटा sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 8 तो इधर वाला हमेशा बड़ा होगा ना इससे इधर वाला हमेशा बड़ा रहेगा तो ये इधर ही आएगा समझ में आया मतलब इसका जो कुछ फाइनल डेस्टिनेशन होगा वो ये हो जाएगा इस साइड में इधर नदी बहा कर ले आएगा उसको समझ आया यस सर नहीं आया आ गया सर हैं आ गया आ गया चलो अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे ठीक है आज इतना ही रहने देता हूँ ठीक है यस सर